इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हर एक व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, अपना अलग व्यक्ति महत्व होता है और इसी व्यक्ति महत्व के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव होता है। इसी तरह हमारे सभी भगवान भी अलग अलग रूपों में और स्वरूपों में दिखते हैं। तो आइए हम भगवान के ऐसे ही कई स्वरूपों को करीब से जानेंगे हमारे नए कार्यक्रम देव स्वरूप में। मूर्ति पूजा हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है, परंतु इन मूर्तियों की स्थापना का अर्थ क्या है, इनके अनेक स्वरूप क्यों हैं, उनका रंग रूप भाव अलग क्यों हैं? इन सारे सवालों में मानव हित के मार्ग छुपे हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति केवल देव प्रतिमा ही नहीं होती, इन मूर्तियों के पीछे कुछ असाधारण आध्यात्मिक बातें भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हमारे संग जानिए देव स्वरूपों की कई मान्यताओं और देवों की रोचक कथाओं के बारे में। तो आइए हम भी अपनी इस श्रृंखला को देवों के देव महादेव शिवजी से ही प्रारंभ करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कपूर के सामने गौर वर्ण वाले हैं, पवित्र हैं, जो साक्षात करुणा के अवतार हैं, जो समस्त सृष्टि के सार हैं, जो सांप को हार के रूप में धारण करते हैं, जो भगवान शिव देवी पार्वती सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करते हैं, उन भगवान शिव को मेरा नमन है। त्रिदेवों में जहां ब्रह्मदेव सृष्टि के सृजनहार हैं, विष्णु पालनहार हैं, वहीं महेश सृष्टि के संहारक हैं। हम सब भगवान शिव की दो रूपों में पूजा करते हैं, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में और दूसरा मूर्ति रूप में। भगवान शिव के मूर्ति स्वरूपों के कई नाम हैं, जैसे कि नीलकंठ, बालचंद्र, नटराज, काल भैरव। और उनकी जब हम ज्योति स्वरूपों की बातें करें तो द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग जो प्रसिद्ध हैं, गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंगम और द्वारका का नागेश्वर ज्योतिर्लिंगम, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम, उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगम, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगम, हिमालय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंगम, महाराष्ट्र में भीमाशंकर और त्रियंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम, वाराणसी का काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगम, देवगढ़ झारखंड का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम, रामेश्वरम तमिलनाडु में रामेश्वर ज्योतिर्लिंगम और अंत में औरंगाबाद महाराष्ट्र में शिव का 12वां कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगम स्थित है। जब हम भगवान शिव के मूर्ति स्वरूप को करीब से देखते हैं तो भगवान शिव ने जो भी वस्त्र या आभूषण धारण किए हैं सबके बहुत ही ज्ञान वर्धक अर्थ निकलते हैं। आइए जाने भगवान शिव के व्यक्ति महत्व को और भी करीब से। भगवान शिव के केश आपस में एक साथ जुड़े हैं और इसी कारण उन्हें हम जटाधारी भी कहते हैं। उनकी जटाएं हमेशा ये बताती हैं कि जब हमारा मन शरीर और आत्मा एक हो जाता है तो आप किसी भी चीज के ऊपर लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं और जिससे आपको शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शिव की जटाओं पर कलगी की तरह विराजमान चंद्रमा मन का प्रतीक है। भगवान शिव को चंद्रशेखर इसीलिए कहा जाता है। मनुष्य का मन भी भालचंद्र शिव की तरह शांत, शीतल, भोला भाला और उज्जवल होना चाहिए, जिससे कोई भी कठिन कार्य शांति से किया जा सकता है। भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है, क्योंकि उनके केशों से गंगा की धारा निरंतर बहती रहती है। ये धारा धर्म का प्रतीक है, जो निरंतर गतिशील है और धर्म के तेज प्रवाह को दर्शाती है। गंगा सबके पाप धोती है और जन कल्याण के लिए हमेशा आगे बढ़ती रहती है। गंगाधर शिव हमें सिखाते हैं कि मानव जाति को भी माँ गंगा की तरह निस्वार्थ मन से समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। भगवान शिव को त्रिनेत्री या त्रिलोचन भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव किसी चीज का विनाश करने के लिए तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं, परंतु ये नेत्र अंतिम ज्ञान का प्रतीक है। और जब हम हमारे भीतर की तीसरी आंख यानी कि अंतिम ज्ञान को जागृत करेंगे, तभी हम हमारे अंदर की बुराई
और अहंकार का नाश कर सकेंगे। शिव का कंठ समुद्र मंथन से निकले हालाहाल विष के पान के कारण नीला हो गया था, इसी कारण से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पान से भगवान शिव ने ब्रह्मांड का अंत होने से बचाया था, अर्थात हमें भी कड़वी बातों को पी जाना चाहिए और उनका किसी से भी वर्णन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम बुरी परिस्थितियों से बच सकते हैं। भगवान शिव को भुजंग भूषण भी कहा जाता है, भुजंग यानी सांप, और उन्होंने भुजंग का आभूषण धारण किया हुआ है। भगवान शिव के गले का सांप हमें ये दर्शाता है कि सांप एक जीव है या व्यक्तिगत आत्मा का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि हर जीवित व्यक्ति अपने कल्याण के लिए सर्वोच्च भगवान पर निर्भर है। इसीलिए हमें हमेशा भगवान से जुड़े रहना चाहिए। भगवान शिव हमेशा रुद्राक्ष के आभूषण पहने हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष ब्रह्मांड की उन्नति को संबोधित करता है और रुद्राक्ष शिव को अति प्रिय है, इसीलिए उनके भक्त शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, गहन ज्ञान धारण करने के लिए और आत्म सशक्तिकरण करने के लिए रुद्राक्ष पहनते हैं। महादेव को भस्मांग भी कहा जाता है, भस्म यानी कि राख। ऐसा कहा जाता है कि महादेव शमशानवासी हैं और वे हमेशा अपने अंग पर शमशान की राख या भस्म सजाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण भी बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि मानव जाति को कभी अपना अंत नहीं भूलना चाहिए। पृथ्वी पर पैदा होने वाली किसी भी वस्तु को अंत में राख में परिवर्तित होना ही है। महादेव के शरीर पर बाघ की खाल है। बाघ हिंसा और घमंड को दर्शाता है, अर्थात शिव ने हिंसा और अहंकार को पराजय कर अपना आसन बना लिया है। ये आसन अहंकार के अंत का भी प्रतीक है। व्यक्ति का अहंकार शिव की शरण में जाके धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। भगवान शिव के द्वारा धारण किए गए त्रिशूल का भी बहुत गहरा अर्थ है। त्रिशूल के नोकीले नोक त्रिदेव को दर्शाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिशूल निसर्ग के तीन नियमों को भी दर्शाता है, निर्माण, व्यवस्था और विनाश। त्रिशूल तीनों कालों का भी प्रतीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य। शिव भक्ति करते वक्त या कोई भी काम करते वक्त हमें एक रूप होने की प्रेरणा देता है। जैसे भूत में घटी कोई भी घटना के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए हमें वर्तमान की ओर बढ़ना चाहिए और वर्तमान में ज्यादा ना रुकते हुए भविष्य की ओर चल पड़े, परंतु भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि जब हम इस चक्र से बाहर निकलेंगे तभी हम परमात्मा से जुड़ सकेंगे। और त्रिशूल हमें हमारे जन्म, जीवन और मृत्यु भय से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव द्वारा धारण किया गया डमरू, जो कि ब्रह्मांड का प्रतीक है, अनंत काल का प्रतीक है, अंतहीन समय है, जो एक लय की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैली रहती है, और ये हमें ये दर्शाती है कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें सुख और दुख का समान स्थान है। नंदी भगवान शिव का प्रिय वाहन है, जो कि धर्म बल और रक्षा का प्रतीक है। नंदी बैल के चार पैर हैं, अर्थात हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संपूर्ण जानकारी भगवान शिव की कृपा से ही मिलती है। भगवान शिव के बैल पर सवार होने का मतलब है कि जब आपके कर्म और धर्म सच्चे हैं तो अनंत चेतना आपके साथ होती है। भगवान शिव हमेशा ध्यान मुद्रा में लीन होते हैं। उनकी आंखें आधी खुली और आधी बंद होती हैं, जो कि ये दर्शाती हैं कि वे एक स्थान पर तपस्या करते हुए भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखते हैं। शिव का मूल मंत्र भी बहुत शांति देने वाला मंत्र कहलाता है, ओम नमः शिवाय। ये हिंदू धर्म में सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में रामबाण सिद्ध होता है। ये मंत्र है, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान्
मृत्यु मुक्षी यमामृतात, जिसका भाव है कि हम शिव की पूजा करते हैं जिनके तीन नेत्र हैं, जो हर सांस में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वेदों और पुराणों में ये वर्णित है कि भगवान शिव के मंत्र, आराधना, पूजा और साधना से मृत्यु का भय नहीं रहता। इनसे सभी प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार शिव आराधना से मनुष्य के हृदय से अशांति और शोक भाग जाता है। शिव साधना से भक्ति के साथ साथ संसार में आगे बढ़ने की शक्ति भी मिलती है। ऋषि भृगु ने नवग्रह शास्त्र में इस बात का उल्लेख किया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नीच के हों या दुर्भाग्य पीछा ना छोड़े, तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से लाभ होता है। ऋषि पराशर ने भी होरा शास्त्र में वर्णन किया है कि शिव स्तुति से ग्रहों द्वारा मिले मृत्युदेय कष्ट से मुक्ति मिलती है। यदि घर में आर्थिक हानि हो रही है, तो रोज सुबह दीपक जलाकर भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वैज्ञानिकों और नासा ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि ओम के जाप से मन शांत होता है और शरीर के जीवाणु नष्ट होते हैं। पुराणों में कई ऐसी कथाएं हैं जो बताती हैं कि संतान प्राप्ति के लिए गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। स्वयं माँ पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव शिव की तपस्या की थी। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, तो उसे 16 सोमवार के व्रत रखने से अवश्य ही मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। मन में एकाग्रता और ध्यान लगाने के लिए शिव मंत्र का उच्चारण अत्यंत लाभकारी है। कई योग केंद्र और मनोचिकित्सक केंद्रों में शिव मंत्र आत्मा चिंतन के लिए सुनाया जाता है। ओम के जाप से सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। बुरी संगति और लोगों से बचने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप चमत्कारी है। बुरे समय में शांत रहकर मन ही मन शिव को याद करने से सभी समाधान निकाले जा सकते हैं। क्रोध प्रबंधन विशेषज्ञ मानते हैं कि क्रोध को काबू करने के लिए आंखें बंद कर शिव का स्मरण करना चाहिए। इससे व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है। हमारे लिए ओम की ध्वनि मन से ईर्ष्या के भाव को कम करने में सक्षम हो सकती है। असमंजस की स्थिति से बाहर आने में भी भगवान शिव की पूजा या ओम का जाप लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भगवान की मूर्ति के प्रतीकों द्वारा बताई गई बातों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं, तो अवश्य ही हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है।